Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं आपको दाल फ्राई की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि एकदम ढाबे स्टाइल में हम बनाएंगे, वो भी घर पे। और इसमें मैं सिर्फ एक ही दाल का यूज़ करूँगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 2 टेबलस्पून लिया है घी। यहाँ पे हम घी का ही यूज़ करेंगे, आप वैसे तेल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ली है मूंग दाल, पीली मूंग दाल है, छिली हुई मूंग दाल, और इसे मैंने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास भीगी हुई दाल नहीं है और आप अगर इंस्टेंट बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप दाल को 2 से 3 बार अच्छे से धो लें और फिर दाल को कुकर में डाल दें, और दाल से दुगना पानी लेना है हमें। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और नमक डाला है। अब हमें इसे 2 सीटी आने तक पकाना है, और अगर आपकी दाल भीगी हुई नहीं है तो इसे 4 से 5 सीटी लगने तक इसे पकाएं। तो अब मैंने कुकर को बंद कर लिया है और इसे सीटी लगने देंगे। जब तक सीटी लग रही है मैं आपको कुछ दालों के नाम बता देती हूँ जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। ये दालें मार्केट में तो होती हैं पर हमें इनका नाम नहीं पता होता, तो चलो मैं बताती हूँ। ये है मसूर की दाल, ये है मसूर दाल, ये है चना दाल, यह है हरी मूंग की दाल छिलके के साथ, और ये पीली मूंग की दाल बिना छिलके के साथ। ये है उड़द की दाल जिससे हम इडली और डोसा बनाते हैं, और ये है तूर दाल, ये है राजमा, ये है लोबिया, ये सफ़ेद राजमा है, ये है छोले काबुली चना, काला चना। और चलो हमारी इतनी देर में हमारी दाल भी रेडी हो गई। तो ये अच्छे से पक गई है, कितना अच्छे से घुट भी गई है पानी के साथ, देखो कितनी अच्छी मैशी मैशी हो गई है। तो इसे हम अभी रख देंगे साइड में, और अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आपके घर में कोई भी दाल अवेलेबल नहीं है तो आप इसे सिर्फ एक दाल से भी बना सकते हैं, इसीलिए मैंने सिर्फ एक ही दाल ली है, वरना आप मिक्स करके भी बना सकते हैं बाकी दालों को जिनके नाम मैंने आपको दिखाए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून लिया है तेल, सरसों का तेल लिया है, उसमें डाला है मैंने जीरा, इसे अच्छे से पका लिया है, और इसमें मैंने 2 बारीक कटी हुई प्याज डाली है। हम प्याज को बारीक काट कर ही डालेंगे और इसे अच्छे से हम पकाएंगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर का यूज़ किया है ज़्यादा, क्योंकि ये देसी टमाटर थे तो इसमें फिर मुझे आगे खट्टा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 टमाटर का यूज़ किया है। अगर आपके टमाटर देसी वाले नहीं हैं, नॉर्मल टमाटर हैं, तो आप बाद में नींबू भी ऐड कर सकते हैं लास्ट में। तो ये मैंने नमक डाला है और नमक डाल के इसको 4 से 5 मिनट तक पकाया, और ये मैंने 1/2 चम्मच डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 इंच अदरक का टुकड़ा था और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ थी। इसे हम कूट के डालेंगे और अच्छे से पकाएंगे। कम से कम इसे हमें 4 से 5 मिनट तक पकाना है ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन हमें ना मिले। अब मैंने ये डाले हैं कुछ मसाले, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी हमने पहले ही डाली है, और मिर्च अगर आपने नहीं निकाली है तो फिर आप यहाँ पे कम डालना। मैं 1 टेबलस्पून डाला है गरम मसाला और 1 टेबलस्पून डाला है धनिया। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, क्योंकि इसमें तेल ज़्यादा नहीं है, मैंने ज़्यादा तेल नहीं डाला है, इस वजह से मसाले जल सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे पानी और फिर इसे पकाएंगे। सूखे मसाले कभी भी, अगर आपका तेल ज़्यादा नहीं है तो सूखे मसालों को आप डायरेक्टली ना पकाएं, तो वो जलने का उनमें चांसेस होता है। तो ये मैंने पानी डाला है और इसे 4 से 5 मिनट तक पकाया, और देखो जो भी मैंने स्टार्टिंग में तेल डाला था वो साइड साइड में आ गया है सरसों का तेल। इट मीन्स कि हमारा मसाला अच्छे से बन के रेडी है। तो जो हमारी दाल थी, उबली हुई दाल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तीखा और सारा मसाला आप अपने अकॉर्डिंग बैलेंस कर सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स। दाल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये आपके लिए मस्ट है। तो इसे आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर खाया कीजिए ताकि वो आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन दे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास डाला है पानी, क्योंकि मूंग की दाल बाद में गाढ़ी हो जाएगी, जब ये बनने के बाद आप इसे छोड़ेंगे कुछ टाइम के लिए तो ये गाढ़ी हो जाती है। अब मैंने इसको 1 बॉईल आने तक पकाया है, और एक इसका साइन ये भी है कि आप जहाँ पे बॉईल आ रखा है उधर एक सफ़ेद लाइन बन गई है, इट मीन्स कि आपकी दाल रेडी है। इसे हम बीच में कंटिन्यू ऐसे चलाते भी रहेंगे। तो अब इसका फाइनल हम तड़का तैयार करते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं
तो वो दाल आपके लिए रेडी है। आप ये फाइनल तड़का मत लगाना, क्योंकि हम ढाबे स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए मैंने ये फाइनल तड़का डाला है। 2 चम्मच लिया मैंने घी, उसमें डाला जीरा, कुछ डाले करी पत्ते और इसे हम अच्छे से पकाएंगे। और फिर इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च। तो ये तो तड़के की शान होती है, इसे हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। इसे एक बार अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने इसके अंदर डाली है हींग। हींग को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, जस्ट एक मिक्स देंगे। मिक्स देने के बाद मैंने घी के टेम्परेचर को थोड़ा कम किया है। उसके बाद मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। ये कलर के लिए होती है, ये तीखी नहीं होती है, तो इससे हमारी दाल में कलर बहुत अच्छा आएगा। और इसे आप गरम गरम घी या तेल में मत डालना, वरना ये जल जाएगी। तो इसे मैंने ठंडा करके डाला, मिक्स किया और हमारी दाल पे डाल दिया। और ये हमारी एकदम ढाबे स्टाइल में दाल घर पे रेडी है। इसे मैंने अच्छे से कर लिया है मिक्स। मैं आपको सभी दालों की लिंक, जो भी मैंने आपको वीडियो में दिखाई हैं, उन सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। डू चेक इट आउट। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और शेयर करो जिसको दाल फ्राई सीखनी है और जिसे बहुत ही टेस्टी लगी। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, हिट द बेल नोटिफिकेशन। हम फिर मिलेंगे, बाय।